2023 में कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन रहने वाली है, इसकी पूजा की विधि क्या है, रोहिणी नक्षत्र कब से लगेगा, शुभ मुहूर्त पूजा का किस समय है, जो व्रत करते हैं उनके पारण का समय क्या होगा, ये सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब अष्टमी तिथि आती है भादों में कृष्ण पक्ष में और रोहिणी नक्षत्र लगता है, उसी समय हम भगवान का जन्म दिवस मनाते हैं। भगवान का हिंदू पंचांग के अनुसार जिस समय जन्म हुआ था उस समय हर्षण योग था, चंद्रमा वृषभ राशि पे बैठी हुई थी। 2023 में 6 सितंबर को दोपहर में 3:37 से 7 सितंबर को 4:14 तक कृष्ण भगवान की जो जन्माष्टमी तिथि है वो लगने वाली है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो 6 सितंबर को सुबह 9:20 से 7 सितंबर को 10:25 तक सुबह तक रहने वाली है। जो व्रत का पारण का समय है, जो व्रतधारी है वो 6 तारीख को ही व्रत रह लीजिएगा और सुबह 7 तारीख को 6:09 पे आप व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं। पूजा का जो समय है रात्रि में 6 तारीख को 11:56 से 12:42 तक ये पूजा का शुभ मुहूर्त समय है, उसी समय आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। पूजा की जो विधि है मैं आपको बता देता हूँ। पूजा का विधि, सबसे पहले कोई भी आप भगवान की एक प्रतिमा ले लीजिएगा, मूर्ति ले लीजिएगा, उसको आप पंचांग से जो पंचामृत होती है उससे नहला दीजिएगा, स्नान करा दीजिएगा, गंगा जल से स्नान करा दीजिएगा, दूध से, दही से, मधु से, शक्कर से, जो आपके पास यथाशक्ति उपस्थित हो उससे पहले उनका स्नान करा दीजिएगा। उसके बाद में पीला वस्त्र पीला फल भगवान को अर्पण करिएगा, माखन मिश्री से उनका भोग लगाइएगा, खीरा उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, इससे आपके सारे ग्रह नक्षत्र भी सही हो जाते हैं, तो खीरा माखन मिश्री ये तीन भगवान को जरूर चढ़ाइएगा। जितना हो सके भगवान के कीर्तन का जाप करना उस दिन, जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। यदि जन्माष्टमी के विषय में और भी आपको कुछ जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन, सूचना, जानकारी, जन्म तिथि के बारे में, अष्टमी के विषय में पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलिएगा, राधे राधे लिखना ना भूलिएगा, जो आपके इष्ट हैं वो आप नाम जरूर लिखिएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम जहाँ तक हो सके लोगों को सही सूचना दें, यदि हमसे कुछ त्रुटि हुई हो तो आप हमें अपना भाई समझ के, बंधु समझ के क्षमा करिएगा। यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री महाकाल।